नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 805 नामांकन झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है तैतालीस विधानसभा सीटों पर 805 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है सबसे अधिक जमशेदपुर पूर्वी से बत्तीस जमशेदपुर पश्चिमी से बत्तीस और हटिया विधानसभा क्षेत्र से तीस प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है बता दें कि 18 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव की सूचना चुना जारी हुई थी और 25 अक्टूबर पहले चरण के नॉमिनेशन करने की अंतिम तारीख थी अब 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन की स्कूटनी की जाएगी और 30 अक्टूबर प्रत्याशियों के नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन होगा कोडारमा में उन्नीस बरकट्टा में उनतीस बरही में उन्नीस बड़का गाँव में अट्ठाईस और हजारीबाग में पच्चीस सिमरिया में ग्यारह चतरा में ग्यारह गोड़ा में सोलह घाटशिला में तेरह पोटका में अठारह जुगसलाई में तेरह जमशेदपुर पूर्वी में बत्तीस जमशेदपुर पश्चिमी में बत्तीस इच्छागढ़ में तेईस सरायकेला से सोलह और चाईबसा से इक्कीस मझगांव से सोलह मनोहरपुर से चौदह चक्रधरपुर से चौदह खरसवा से ग्यारह तमार से उन्नीस तोरपा से चौदह कोटी से ग्यारह रांची से छब्बीस हटिया से तीस कांके से सोलह मांडर से सत्रह सीसई से अठारह गुमला से उन्नीस विष्णुपुर से अठारह सिमडेगा से पंद्रह कोलेबीरा से उन्नीस लोहरदगा से अठारह मनका से पंद्रह लातेहार से चौदह पाकी से सत्रह डाटेगंज से पच्चीस विश्रामपुर से इक्कीस छतरपुर से चौदह हुसैन से बाईस गढ़वा से पच्चीस और भवनाथपुर से अट्ठारह ने नामांकन किया है सीता सोरेन के ख़िलाफ़ इरफान अंसारी के विवादित बयान पर ईसी ने मांगी रिपोर्ट चुनाव आयोग ने जामताड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी द्वारा भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को लेकर विवादित बयान देने के मामले पर जिला प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जामताड़ा के उपायुक्त को रिपोर्ट देने को कहा गया है चुनाव आयोग जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई करेगा जामताड़ा थाना में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है बता दें डीसी कुमुद सहाय के निर्देश पर कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी पर ए आर ओ सह जामत बी प्रवीण चौधरी ने जामताड़ा थाना में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है इसके तहत कांड संख्या 208 सौ आठ बाई चौबीस धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है झारखंड बीजेपी ने रविंद्र राय को बनाया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है बीजेपी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है बता दें कि रविंद्र कुमार राय पूर्व में सांसद रहे हैं बीते दिनों रविन्द्र कुमार राय के जे में, में जाने की अफवाह भी उड़ी थी डॉक्टर रविन्द्र राय झारखंड भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जब बाबूलाल महानी ने भाजपा छोड़कर नई पार्टी बनाई थी तब उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी लेकिन कुछ समय बाद वह फिर भाजपा में लौट आए थे डॉक्टर रविंद्र राय कोडारमा से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं उन्हें झारखंड में कादावर नेता माना जाता है दाना तूफान के कारण ग्रामीण क्षेत्र में धान की फसल को हुआ नुकसान दाना तूफान के कारण पिछले दो दिनों से तो लगातार हो रही बारिश की वजह से घाट जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है धान की खड़ी फसल तबाह हो गई है अधिकतर खेतों में धान के पौधे गिर गए हैं किसान काफी चिंतित हैं कि तैयार धान की फसल बर्बाद न हो जाए लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ता है उम्मीद है कि धूप निकलने के बाद बचा हुआ फसल अच्छी उपज देगा पचासी साल से अधिक के या दिव्यांग वोटर घर बैठे करे वोट झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे इसके लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पचासी साल से अधिक या वैसे दिव्यांग मतदाता जो घर से मतदान करना चाहते हैं उन्हें फॉर्म बारह डी उपलब्ध करा दे ताकि घर बैठे हुए आसानी से मतदान कर सके वे शनिवार को ध्रुवा के निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं जिला के पुलिस पोस्टल बैलेट एवं पोस्टल बैलेट सेल के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि अनुपस्थित वोटर जो पोस्टल बैलेट से मतदान की अहता रखते हैं और इच्छुक हैं उन मतदाताओं को फॉर्म बारह या बारह डी अवश्य उपलब्ध करा दें चुनाव आयोग की एडवाइजरी किसी की भावना आहत की तो होगी कार्रवाई झारखंड की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को किसी की भावना आहत करने वाले बयान से बचना चाहिए ऐसे बयान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी उन्होंने कहा है कि इस संबंध में पूर्व में ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है चुनाव आयोग के इन दिशा निर्देशों को दोबारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जा रहा है वह शनिवार को धुरुवा के निर्वाचन सदर में प्रेस वार्ता कर रही थी बता दें अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में मुख्य रूप से कहा गया है कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल और कार्यकर्ता बगैर तथ्यात्मक आधार के कोई गलत बयानबाजी नहीं करेंगे दीपावली और छठ के लिए आरक्षित टिकटों की वेटिंग लिस्ट लंबी दीपावली और छठ पर्व नज़दीक है इस वजह से ट्रेनों में आरक्षित टिकट की वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है कई ट्रेनों में यह 200 के पार चली गई है रेलवे के मुताबिक पर्व को देखते हुए कई ट्रेनों की शुरुआत की गई है लेकिन रेगुलर ट्रेनों में टिकट को लेकर ज़्यादा मारामारी है टाटानगर से बिहार जाने वाली ट्रेन के अलावा जम्मू पंजाब हरियाणा व दिल्ली की ओर जाने वाली यूपी के पूर्वांचल और बिहार के अलग अलग स्टेशनों तक जाने वाली ट्रेनों में भी टिकट के लिए मारामारी है दरअसल त्यौहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन सप्ताह में एक दो तीन और चार दिन के लिए किया जा रहा है इस कारण भी रेगुलर ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ है अर्जुन मुंडा की पत्नी पति से अधिक अमीर पोटका विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पास 14.90 करोड़ की संपत्ति है इनमें 9.01 करोड़ चल और 3.05 करोड़ की अचल संपत्ति है बता दो हजार चौबीस में सौंपे गए शपथ पत्र के अनुसार मीरा मुंडा के पास अड़तालीस हजार आठ सौ चौरासी रुपये नगद है उनके पास तैतीस लाख की टोयटो गाड़ी भी है वही उनके पति अर्जुन मुंडा के पास एक लाख बत्तीस हज़ार आठ सौ इक्यानवे रुपये हैं बैंक में मीरा के नाम पर एक करोड़ सतासी लाख इक्यावन हज़ार छः सौ सतहत्तर रुपये जबकि अर्जुन मुंडा के पास एक करोड़ तैंतालीस लाख बारह हज़ार सात सौ पैंतीस रुपये हैं उनके पास दो पॉइंट तीन पाँच लाख रुपये की मारुति जेन भी है कोल्हान के सबसे धनी प्रत्याशी सौरभ विष्णु झारखंड विधानसभा के चुनाव में इस बार कोल्हान की तरफ सबकी नजर है वजह है कि पक्ष विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं का पाला बदलना यहां के लगभग सभी कदावर नेताओं ने नामांकन कर लिया है जिसमें उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र में उनकी संपत्ति के बारे में पता चला है ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोल्हान का सबसे धनी प्रत्याशी कौन है बता दें चंपाई सुन अर्जुन मुंडा सरजू राय बन्ना गुप्ता जैसे कई बड़े कद के नेता सबसे धनावर होंगे लेकिन ऐसा नहीं है इस लिस्ट में इन कदावर नेताओं का नाम जगह एक युवा निर्दलीय प्रत्याशी का है जिनका नाम सौरभ विष्णु है जमशेदपुर में सामाजिक कार्य कर अपनी पहचान बनाने वाले चौवालीस वर्षीय सौरभ विष्णु का जमशेदपुर ही नहीं बल्कि बिहार और विदेश में कारोबार और बड़ा अंपायर हैं कोल्हान के वे सबसे धनवान प्रत्याशी हैं उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय नामांकन किया है सौरभ दंपत्ति 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा को मिल गया उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार मिल ही गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने गमालियल हेम्ब्रम को टिकट देने का फैसला कर लिया है बता दें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बरहेट विधानसभा सीट पर बीस नवम्बर को वोटिंग होगी इस सीट को झामो का गढ़ माना जाता है वर्ष दो से हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं बता दें संताल परगना के साहेबगंज जिले में स्थित इस विधानसभा सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है वर्ष उन्नीस और वर्ष उन्नीस के चुनाव में झारखंड पार्टी के टिकट पर बाबूलाल टुडू यहाँ से चुनाव जीत चुके थे चक्रवात दाना का असर दिन भर होती रही बारिश चक्रवात दाना का असर शनिवार को भी रहा दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही बारिश के कारण आम जन जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गए लोग घरों से दुबके रहे सड़कों पर वीरानी छाई रही बहुत कम संख्या में सड़कों पर दोपहिया वाहन का आन जान रहा सामान्य दिनों की अपेक्षा कम संख्या में चारपाहियों को गुजरते देखा गया बारिश के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे को भी दिक्कत हुई है बाजार में दुकानें तो खुली लेकिन भीड़ कम दिखी किसानों की माने तो धान के फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता वहीं बारिश के कारण किसानों के सरसों के खेतों में पानी भर जाने से नुकसान होने की संभावना है भाजपा ने की इरफान अंसारी के बर्खास्तगी की, की मांग कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी के सीता सुरेन पर दिए बयान पर भाजपा महिला मोर्चा समेत दूसरे नेताओं ने कड़ा विरोध किया है शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इरफान अंसारी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया साथ ही चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल से इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग की है शिवराज सिंह ने कहा है कि आदिवासी महिला सीता सोरेन को इरफान अंसारी ने रिजेक्टेड माल बोला है उनको शर्म करनी चाहिए इरफान अंसारी ने केवल सीता सोरेन का अपमान नहीं किया बल्कि झारखंड की बहनों और बेटियों का भी अपमान किया है बता दें कोडरमा सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी सीता सोरेन पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर कहा है कि महिलाओं के लिए कांग्रेस की क्या सोच है यह इरफान अंसारी के बयान से स्पष्ट हो गया है हिंदुत्व तो पर वोटरों को रिझाने में जुटी भाजपा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पांच प्रण के जरिए रोजगार और आर्थिक विकास की बात की है लेकिन प्रचार अभियान में सभी बड़े नेता हिंदुत्व तो के एजेंडे को अपने भाषण में रख रहे हैं एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी के नेता भी भाजपा के इस लाइन से अपने को दूर नहीं रखना चाह रहे जमशेदपुर पश्चिमी से जेडीयू प्रत्याशी सरजू नायक अपने प्रचार अभियान में लगातार मंदिरों का दौरा कर रहे हैं वहीं चात्रा में एलजेपी प्रत्याशी जनार्दन पासवान का नामांकन कराने पहुंचे चिराग पासवान ने मंच से कहा है कि भाजपा के शासन में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है उन्होंने कांग्रेस पर राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का आरोप भी लगाया जबकि भाजपा के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस््व शर्मा की तो छवि ही हिंदुत्व के पोस्टर बयान की है वहीं हुसैनाबाद में नामांकन के लिए पहुंचे हेमंत बिश्व शर्मा ने बयान दिया है कि सरकार बनने पर राज्य के शहरों के इस्लामिक नाम बदले जाएंगे बोरियो से भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर नामांकन करने वाले लोबिन हेम्ब्रम भी करोड़पति हैं बता दें नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने अपने पास नगद तीन लाख रुपए और पत्नी के पास दो लाख बीस हजार रुपए होने की बात कही है उनके बैंक खाते में छियासठ लाख नब्बे हज़ार सात सौ अड़तालीस रुपये तथा उनकी पत्नी के पास सात लाख चालीस हज़ार रुपये है लोबिन के पास एक टोयोटो फॉर्चुनर वाहन है जिनकी कीमत तीस लाख रुपये है वहीं आभूषण रखने में लोबिन अपनी पत्नी से काफ़ी पीछे हैं लोबिन के पास मात्र चार लाख तीस हजार रुपये का सोना है जबकि उनकी पत्नी के पास सत्रह लाख दस हज़ार रुपये के जेवरात हैं वहीं लोबिन हेमरम के पास एक रिवॉल्वर व एक राइफल भी है रिवॉल्वर की कीमत पचहत्तर रुपए तो राइफल की कीमत पचपन हजार रुपये है दीपावली 31 अक्टूबर को ज्योतिष आचार्य प्रवण मिश्रा ने बताया है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है इस दिन दिन में तीन बजकर बारह मिनट पर चतुर्दशी है इसके बाद अमावस्या शुरू होगा जो 1 नवंबर की शाम पाँच बजकर पंद्रह मिनट तक है वहीं चित्रा नक्षत्र 31 अक्टूबर की रात एक बजकर चार मिनट तक है इसलिए गुरुवार को ही दीपावली व वा काली पूजा मनाई जाएगी उन्होंने बताया है कि 29 अक्टूबर मंगलवार की सुबह ग्यारह बजे से त्रयोदशी शुरू होगा जो बुधवार के दोपहर एक बजकर दस मिनट तक है इस दिन भौम प्रदश धन्वंतरी जयंती व मास की शिवरात्रि है इसी दिन सरसों व करंज तेल का चौमुखी दीपक रात के पहली प्रहर में घर के दक्षिण दिशा में जलाया जाता है मान्यता है कि इसे जलने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को एक बजकर दस मिनट से गुरुवार की दोपहर तीन बजकर बारह मिनट तक है इस दिन नरक चतुर्दशी के साथ साथ कामेश्वरी जयंती भी मनाई जाती है, है जनसंपर्क अभियान कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी के एक बयान के बाद जामतरा में चुनावी प्रचार तेज हो गया है अपने चुनावी क्षेत्र का शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहु तूफानी दौरा कर रही है इनके पहुंचने से आदिवासी और गैर आदिवासी मतदाता उत्साहित हैं आप देख सकते हैं कि दाना साइक्लोन के बीच हर उम्र के लोग पानी में भीख कर भी भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन का स्वागत कर रहे हैं जगह जगह उनकी अगवानी करने के लिए लोग घंटों से इंतजार भी कर रहे हैं उदयपुर आदिवासी बहुल्य गांव जहां ग्रामीणों ने छाता लगाकर उनका स्वागत किया भिंग भिंग कर लोग सीता सोरेन को देखने के लिए चौक चौराहे चो पर खड़े रहे ओबीसी एकता अधिकार मंच में पाँच सौ कार्यकर्ता शामिल विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी एकता अधिकार मंच के अध्यक्ष सह प्रत्याशी ब्रह्मदेव प्रसाद के विश्रामपुर स्थित चुनाव कार्यालय में शनिवार को भाजपा आरजेडी और बसपा के करीब पाँच सौ कार्यकर्ता मंच में शामिल हुए हैं शनिवार को होने वाले सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ब्रह्मदेव प्रसाद को समर्थन देने और उन्हें जीत दिलाने का वादा किया है इस मौके पर मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ब्रह्मदेव प्रसाद ने शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उन्हें मंच का पट्टा पहनाकर सम्मानित किया है ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा है कि जो लोग हमारे मंच से जुड़ रहे हैं हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं उन्होंने विश्रामपुर में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई और जनता से अपील की है कि वे उनके विचारों और संदेशों को घर घर तक पहुंचाएं। गोड्डा मंडल कारा में छापा झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले गोड्डा जिला प्रशासन के निर्देश पर मंडल कारा गोड्डा में छापेमारी की गई है जेल के अंदर हर वार्ड में जाँच की गई कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के आदेश से एसडीओ डी उराव बैद्यनाथ और एसडीपीओ अशोक रविदास के नेतृत्व में मंडल कारागोड्ड्डा में रेड की गई है इस दौरान नगर प्रशासक डी सी एल आर डी एस ओ डीटीओ नगर थाना प्रभारी सदर सर्किट इंस्पेक्टर महिला थाना प्रभारी सहित पुलिस पदाधिकारी एवं महिला व पुरुष आरक्षी शामिल थे जेल के अंदर हर वार्ड में हुई छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामान मिलने की सूचना नहीं है बोकारो से बाइक चोर गिरोह का तीन सदस्य गिरफ्तार बोकारो पुलिस ने शनिवार को बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चास से गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है चोरी की बाइक भी बरामद की है यह जा जानकारी चास थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी प्रवीण सिन्हा ने दिया है उन्होंने लोगों से अपनी बाइक स्कूटी और डबल लॉक लगाने की सलाह भी दी है गिरफ्तार आरोपियों में सेक्टर दो सी का अमरेंद्र गोस्वामी जरी डीह का मनीष कुमार साह व जैना मोर शांति नगर का पप्पू सिंह शामिल है तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया डीएसपी ने बताया है कि चांस की कुवर सिंह कॉलोनी से एक स्प्लेंडर बाइक संख्या जे जीरो नौ की चोरी हुई थी बाइक मालिक ने चास थाना में उसकी एफआईआर दर्ज कराई थी छानबीन के क्रम में उक्त नंबर की बाइक के साथ पुलिस ने तीन युवकों को दबोच लिया है छापेमारी में चांस थाना प्रभारी खुर्शीद आलम भी शामिल थे रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के गांव का किया दौरा विधानसभा चुनाव को लेकर लोहरदगा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सहमंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने चुनावी प्रचार शुरू किया है उन्होंने सदर प्रखंड के ग्राम कुरसे हेंसल कुंजी मंगन टोली बसडी आदि गाँव का दौरा किया है इस दौरान कार्यक्रम में ग्रामीणों के द्वारा पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत भी किया गया जहां उन्होंने लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में वोट मांगा डॉक्टर रामेश्वर उराव ने लोगों से कहा है कि हमारी झारखंड सरकार गठबंधन की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया हमारी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लेते हुए महिलाओं के सम्मान में मैया सम्मान योजना के तहत अठारह वर्ष की ऊपर की सभी महिलाओं को एक देने का काम किया उराव ने कहा है कि इसे बढ़ाकर पच्चीस कर दिया गया है झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ की निकासी में सैंतीस लाख बरामद झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में एस ने बड़ी कार्रवाई की है ए टी एस एस पी ऋषभ झा के नेतृत्व में एस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सैंतीस लाख रुपए बरामद किया है इस मामले में रांची के ओबरिया रोड स्थित एकता नगर निवासी अवशेष लकड़ा को गिरफ्तार किया गया एस की टीम ने इस मामले में अब तक छः लोगों को गिरफ्तार किया है साथ ही एक एक पॉइंट दो तीन करोड़ रुपए नगद और सोलह पॉइंट सात जीरो लाख के गहने बरामद किए हैं इसके अलावा अभी तक तीन सौ पचास विभिन्न बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया गया है झारखंड की पहली आठ लेन सड़क धंसा धनबाद में बनी झारखंड की पहली आठ लेन सड़क अचानक धस गई है इससे बड़ा हादसा टल गया है धनबाद के झारखंड मोड़ के पास यह सड़क धंस गई यह घटना उस समय हुई जब बारिश हो रही थी जब सड़क धंसने की घटना घटी तो उस समय सड़क पर कोई वाहन नहीं था बताते चले कि 4 अक्टूबर 2024 को एक सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया था यह सड़क चार करोड़ रुपए की लागत से बनी थी उद्घाटन के सिर्फ 21 दिन बाद इस सड़क के धंसने की घटना सामने आई है धंसने वाले क्षेत्र का आकार 8 से 10 मीटर गोलाकार बताया गया है जयराम महतो ने सातवीं सूची जारी की जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अब तक चौहत्तर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है इस सूची में जयराम महतो खुद बेरमो सीट से भी चुनाव लड़ेंगे इस तरह जयराम ने डुमरी और बेरमो दोनों सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है वहीं रांची सीट से प्रत्याशी को भी बदला गया है अब रांची सीट से प्रेम नायक की जगह राजकिशोर महतो को उम्मीदवार बनाया गया शनिवार को जयराम की पार्टी ने नौ उम्मीदवारों की घोषणा की है जिसमें बेरमो से जयराम महतो चंदन कियारी से अर्जुन रजवार खिजरी से सरिता तिर्की गोमियों से अमरेश महतो लिट्टीपड़ा से मार्क और सारठ से अजहर अंसारी का नाम शामिल है 30 अक्टूबर को आवंटित होगा प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह विधानसभा चुनाव के पहले चरण नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव कार्य में गति पकड़ेगी अधिसूचना के तहत 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जांच में सही पाए गए नामांकन पत्रों के आधार पर प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित होगी बता दें 29 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे जबकि 30 अक्टूबर को विधानसभावार प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया जाएगा राष्ट्रीय एवं मान्यता प्राप्त दलों को निर्वाचन आयोग की ओर से प्राप्त चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों को दिए गए विकल्प के आधार पर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे विधानसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का लेखा जोखा तैयार करने से जुड़ा प्रशिक्षण दो नवंबर को दिया जाएगा इसके लिए समानालय सभागार में पूर्वाहन ग्यारह बजे से बैठक आयोजित की गई है <दस्थास्था> राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता शुरू कस्मार प्रखंड के कमलापुर स्थित त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल परिसर में शनिवार को अठारहवीं झारखंड राज्य जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई है टूर्नामेंट का उद्घाटन कश्मार थाना प्रभारी भजन लाल महतो त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल के निदेशक सुदेश कुमार व झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल ठाकुर ने नारियल फोड़कर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया है प्रतियोगिता में झारखंड के 20 जिलों की 40 टीमें के आठ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उद्घाटन मैच बालिका वर्ग में चतरा व साहेबगंज तथा बालक वर्ग में चतरा व लोहरदगा के बीच खेला गया उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कस्मात थाना प्रभारी भजन लाल महतो ने कहा कि कबड्डी हमारा प्राचीन खेल है जिसमें सभी अंगों को स्फूर्ति मिलती है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन नबे साथ वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों के साथ करना भूलिए साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य दें थैंक यू